Thank you, I'm a Khalid Pali. I will take action on this. Yes, Link. क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं. अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी. मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए. आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं. आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं. आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं. क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में. नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? ये वीडियो पश्चिम बंगाल से आया और आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, फैल गया. इस वीडियो में आपने थोड़ा सा देख लिया होगा, एक पुलिस ऑफिसर एक महिला पर गुस्सा रहे हैं, झड़क रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस महिला ने खालिस्तानी मुझे कैसे कहा, क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है तो क्या मैं खालिस्तानी हो जाऊंगा. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ट्वीट किया. वीडियो कहाँ का है? वीडियो संदेश खाली का है. वही संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल में बीते कई दिनों से खबरों का, सुर्खियों का एपिक सेंटर बना हुआ है, जहाँ से महिलाओं के उत्पीड़न की खबर आई. टीएमसी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे. बीजेपी ने इस पर पलटवार किया, चढ़ाई की, राज्यपाल वहां गए और आज इसी कड़ी में शुभेंदु अधिकारी, जो नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो वहां पे गए और कुछ विधायक और जाने वाले थे, वहीं पे पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और फिर उसके बाद ये वीडियो आया. तो इस वीडियो के आने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए लिखा, आज भाजपा की विभाजनकारी राजनीति ने पूरी बेशर्मी से संवैधानिक सीमाओं को लांघ दिया है. भाजपा के मुताबिक पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है. राष्ट्र के प्रति बलिदान और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाले हमारे सिख भाइयों और बहनों की प्रतिष्ठा को कमज़ोर करने के इस दुस्साहसिक प्रयास की मैं कड़ी निंदा करती हूं. हम बंगाल के सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसे ठेस पहुँचाने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाएंगे. इन शब्दों के साथ ममता बनर्जी ने वीडियो ट्वीट किया. बाकी न्यूज़ चैनलों पे ये वीडियो खूब चला जो बंगाल में है, खासकर उन पे. क्या है पूरे वीडियो में, पहले एक बार वो 1.5 मिनट का आप वीडियो देख लीजिए. Yes, Link. क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं. अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी. मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए. आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं. आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं. आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं. क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में. नहीं, आपके रिलीजन पर कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पर क्यों बोला? मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे, क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है. हैं? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की होगा? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना ड्यूटी कर रहा है? दे आर मेकिंग कॉमेंट्स, दे आर टेक सेइंग मी खालिस्तानी. क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए. कौन बोला सर? वीडियो में जो अधिकारी गुस्से में नजर आ रहे हैं उनका नाम जसप्रीत है और वो कोई सामान्य पुलिस अधिकारी नहीं, आईपीएस अधिकारी हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा पास करके वहाँ पे जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके भारतीय सेवा पुलिस सेवा में उनका चयन हुआ है. और जिस महिला से उनकी बहस हो रही है वो अग्निमित्रा पॉल बताई जा रही हैं, जो आसनसोल साउथ से बीजेपी की विधायक है. उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपना काम करिए, एक पार्टी का पक्ष मत लीजिए. और फिर उसके बाद बातों बातों में जो आईपीएस हैं वो कहते हैं कि आपने मुझे खालिस्तानी कैसे कहा. हालांकि इस पूरे वीडियो में वो शब्द नहीं सुनाई दिया, लेकिन उनका आरोप है और इसी के साथ वो गुस्से में आगे. मौके पर मौजूद कई रिपोर्टरों ने इस बात की जानकारी दी और उसके बाद जब गुस्से में आए तो उन्होंने कहना शुरू किया कि आपने मुझे खालिस्तानी कैसे कहा, वो क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी हुई है, जो पगड़ी पहने हुए तो क्या वो खालिस्तानी है. इसको लेकर के ये चर्चा का विषय हो गया है और ये बात बहुत मजबूती से कही जानी चाहिए कि किसी भी पुलिस अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को आप उसकी वेशभूषा के मुताबिक अगर जज करेंगे तो जाहिर है उस पर कड़े सवाल खड़े होंगे और वाकई इस पर निंदा होगी.
क्योंकि ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन देश में एक तरीके से फिर से उठ खड़ा हुआ है और एक बहस सोशल मीडिया पर एक बाइनरी खींची जाती है, तब अगर किसी अधिकारी को इस तरीके से कहा गया तो वाकई वो चिंता का विषय है। और इस तरीके की राजनीति पर, पुलिस के इस तरीके के रवैये पर जो भी बातचीत है वो होती रहनी चाहिए, लेकिन किसी के जातिगत या धार्मिक एंगल पे कमेंट करना ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। पुलिस ऑफिसर का गुस्सा दिखा और गुस्से में उन्होंने काफ़ी देर तक, आप देखेंगे तो वो कहते रहे आपने मुझे कैसे कहा। फिर वो जो विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल, वो मना करती रही कि मैंने नहीं कहा। हालांकि स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इस बात से इनकार किया है कि विधायक ने आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कहा, लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर है उनका लगातार ये आरोप है और वो गुस्से में वीडियो में भी दिख रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, उस पर जो भी आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे विजय है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सोनल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।